करेंगे ना, आपका काउंटर टिक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम इसको तो आप फिर स्पेशली इसको पहले क्लियर बिट करते हो, हालांकि इसकी जरूरत ऐसा इसलिए नहीं थी क्योंकि जब तक ये आप इसको स्पेसिफिकली वन नहीं करोगे, ये जीरो पे इसकी रीसेट वैल्यू है, ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू। अब जो है हम इसको सेट मतलब कर देंगे यहाँ से। अनेबल कर दिया काउंटर को, CR1.modify CEN, वो अनेबल वाला जो आपका बिट है उसको सेट कर दिया, तो आपका काउंटर अनेबल हो गया। नाउ वी नीड टू वेट अंटिल द काउंटर रीचेज द वैल्यू ऑफ ऑटो लोड रजिस्टर MS, यानी कि जो MS हम देंगे उसी के बराबर हमने ऑटो लोड रजिस्टर को रखना है। देन वी विल नो दैट MS मिलीसेकंड हैव पास्ड, द कंडीशन इज नोन एज द अपडेट इवेंट एंड इट इज इंडिकेटेड बाय UIF बिट। UIF बिट जब वन हो जाएगी तो स्टेटस रजिस्टर की, तो जो है पता चल जाएगा कि हमारा जो ARR रजिस्टर की वैल्यू है ना वो पहुंच चुकी है हमारे TIM6 CR1 रजिस्टर के CEN के अंदर। ये ऐसे ही होगा ना, ये CEN जो है काउंटर एनेबल, तो हमारा जो हाँ, उसने पहले बताया था ना, जो शुरू में वो बता रहा था ना। जी, हाँ, शुरू में वो उसने एक तरह से सारा आपके लिए वो प्लान लेआउट किया था ना, बुक हाँ के जी, हाँ जी, इस उसने पेज वो पे हमें वो यहाँ बताया था ना, वन इधर शॉट टाइमर की स्टार्टिंग पे ना, ठीक यहाँ है ना। उसने आपको सारा एक तरह से क्या कहना चाहिए, सुडो कोड आपको बता दिया था कि आपने क्या करना है। तो इसका जो लास्ट पॉइंट था ना, वंस द काउंट रजिस्टर हैज रीच द वैल्यू ऑफ द एआर रजिस्टर, तो होता क्या है कि द काउंटर विल बी डिसेबल्ड बाय हार्डवेयर, नॉट बाय यू बट बाय हार्डवेयर। यानी कि आपने उसको काउंटर इनेबल किया था वन से, और ये जी उसको जीरो पे ऑटोमेटिकली वो कर देगा। और इसको इंडिकेट कैसे करेगा, आपको कैसे पता चलेगा, आपने वॉच वो रखना है किस पे, UIF स्टेटस रजिस्टर के UIF पे। UIF वाला बीटा अगर तो वन अब हो तक गया हाँ तो बिल्कुल, उसको वो वन करेगा। तो इनिशियली वो आपने उसको बल्कि आई थिंक जीरो करना होता है, तो वन उसको सिर्फ हार्डवेयर कर सकता है टू ठीक, इंडिकेट के जो है ना वो ARR की वैल्यू रीच हो गई है, यानी कि जितना टाइम आप चाहते थे वो उतना टाइम गुजर चुका है। तो आपने वॉच रखना है कि जब तक स्टेट जैसे कि UIF नहीं होती, आपने आगे नहीं बढ़ना, ये बिजी वेटिंग कहलाएगी। क्या बैठे सिर्फ और सिर्फ SRUIF की वैल्यू को वॉच करें कि जब तक वो नहीं हो जाती, आपने यू हैव टू डू नथिंग, यानी कि जस्ट सेमी कॉलन आ गया आएगा। सही है। तो इसमें मतलब ये हो गया। अच्छा, ये जो है UIF वेट अंटिल द अलार्म गोज ऑफ अंटिल द अपडेट इवेंट अकर्स, तो इसमें ये पहले सेट किया। अब आपने जो है ना मतलब वेट करना है कि UIF बिट अंटिल नो वाइल नॉट TIM6.SR.READ.UIF.BIT इज सेट, यानी कि जब तक वो सेट ना हो जाए, वन ना हो जाए UIF बिट अंटिल नॉट, ये वाइल नॉट का यानी कि जो है वाइल नॉट टाइमर दिस UIF बिट इज नॉट सेट, यानी कि उस वक्त वो चलता रहे, जब सेट हो जाएगी तो फौरन ये बंद हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद आपका हाँ जी, जो फिर आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, मीन्स कि ठीक उतना है टाइम गुजर गया उतना है टाइम गुजर गया, यानी कि आपका ARR रजिस्टर जो है आपका वो मिली सेकेंड की वैल्यू तक तो पहुंच गया जो उसकी आपने वैल्यू को MS। पहुंच गया। नहीं, ARR तो वहीं का रहा, उसकी वैल्यू तक काउंटर रजिस्टर पहुंच गया है, हाँ ठीक सॉरी, है ना। उसका हाँ, और वापस जीरो पे आ गया है CNT रजिस्टर जो है वो आपका आपके MS वैल्यू तक पहुंच ARR गया है। की। ठीक हाँ जी है, एग्जैक्टली, और फिर वापस जीरो पे हो गया। जैसे ही बिल्कुल वो जीरो होगा ना, तो स्टेटस रजिस्टर इस बिट को हाई कर देता है। बिल्कुल सही। दिस पैटर्न ऑफ जस्ट वेटिंग अंटिल सम कंडीशन इज मेट इन दिस केस दैट UIF बिकम्स वन इज नोन एज बिजी वेटिंग, एंड यू विल सी इट इन इट अ फ्यू मोर टाइम्स इन द दिस टेक्स्ट। ये क्यों देख कह रहा है मैं? अच्छा, UIF को वो कह रहा है। फाइनली वी मस्ट क्लियर सेट टू जीरो दिस UIF बिट। अब हमने इसको दोबारा जीरो के ऊपर सेट करना है। इफ़ वी डोंट नेक्स्ट टाइम वी एंटर द डिले फंक्शन वी विल थिंक द अपडेट इवेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड स्किप ओवर द बिजी वेटिंग पार्ट। अब इसमें क्या होगा अगर हम इसको जीरो सेट ना करें, तो दैट मीन्स ये नेक्स्ट टाइम हाउसकीपिंग इवेंट कहलाती है ना, नहीं होगा। हाउसकीपिंग कहलाती है, मींस के यानी कि जो आपने अपने वेरिएबल्स को चेंज किया हुआ है उनको वापस आप डिफॉल्ट हालत में लेके जाएं, ताकि जब आपका नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपने डिले एक दफा तो नहीं एग्जीक्यूट करवाना ना,
ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप डिले कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जो भी आपका पैटर्न है एलईडीज को ऑन ऑफ कराने का, तो आप जो है डिले को मल्टीपल टाइम्स कॉल करोगे, तो अगर आपने इसको जीरो पे सेट नहीं किया तो वो लूप में एंटर होते ही उसको यूआईएफ बिट जो है वो सेट मिलेगी और मिलेगी वो आपका विदाउट एआर तक पहुंचे वो क्या है, वो ऑलरेडी सपोज कर लेगा जो है कि ना, वो टाइमर खत्म आप हो उस चुका लूप में है। एंटर ही नहीं होगा भाई जो है ना, यहीं पे पहली बार में ही वो आप बिट आपको सेट दे देगा. हाँ जी बिल्कुल यानी कि वो एंटर नहीं, जो लाजिम बात है डिले सिक्सटी इज आपको जो इक्वल है ना, टू वो जो डिले एग्जैक्टली आपने क्रिएट एग्जैक्टली किया है वो नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल. तो अच्छा फिर आ गया अब हम एक्चुअली वो लोग। डिले मतलब यानी कि हुआ नहीं होगा, लेकिन इस स्टेटस रजिस्टर की इस बिट को रीड करने से आपको ऐसा लगेगा कि जो है ना वो अचीव हो चुका है. बिल्कुल ठीक दिस इज है। व्हाट यू डोंट वांट. तो अब जो है हमारा सारा प्रोग्राम जो है वो उसने हमें दे दिया यहाँ पे, अब इसको मैं कॉपी करके वहाँ ले जाता हूँ। अब हम इसको जो है एक दफ़ा क्विट करते हैं और कार्गो रन करके देखते हैं, फिर कार्गो रिलीज करके देखते हैं, दोनों करके देखते हैं। और मैं इसको चला रहा हूँ फिर दोबारा से। नजर आ रहे हैं बोर्ड? बोर्ड नजर नहीं आ रहा. आप नजर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा और नजदीक करें थोड़ा. हाँ अभी बेहतर है. ठीक है, अब मैं इसको करने लगा हूँ कार्गो रन। ये स्टक क्यों हो गया? ये तो सिर्फ परमानेंट जल ही रही है. नहीं, अभी स्टक हो गया, अभी वो देखे ना, ये सही तरीके से एक दफ़ा इसको मैं डिसकनेक्ट करके ना भाई आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है या उबंटू नहीं को इंस्टॉल किया हुआ है प्रॉपर? नहीं वीएम है, वीएम है। वीएमवेयर. जी जी वीएम है। और उबंटू का कौन सा 18.04? मेरा घर 20 है शायद, 20 जो लेटेस्ट है अच्छा वही है। ठीक. कंटिन्यू, इसकी ये ये चल रहा है, इसमें डिबग में फिर चल रहा है 100% है, 200%. जी। क्या 200% ये रेजोल्यूशन इसकी क्या सेट की थी आपने वीएमवेयर में उबंटू की?
Ubuntu की रेजोल्यूशन तो मैंने नहीं, डिस्प्ले में डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट थी उस पर रखी थी। डिफॉल्ट में। जी, अच्छा, लेकिन ये रेजोल्यूशन आप इसकी बात करें, ये जो स्क्रीन जो बड़ी नजर आ रही है स्क्रीन साइज बड़ी, वगैरह। हाँ, अभी ये तो सिर्फ कंट्रोल प्लस से करके बड़ी करते हैं, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस। नहीं, ये वाली नहीं, मैं उबंटू का डेस्कटॉप की बात कर रही हूँ। अच्छा नहीं, नहीं उसकी नहीं इसकी डिफॉल्ट, बात नहीं कर रही, कोड उसकी की। डिफॉल्ट रखी थी, उसकी डिफॉल्ट रखी थी। तो ये हाँ चल रहा है, डिफॉल्ट वाली है, ठीक डीबग में भी चल रहा है, और उसके अंदर देखते हैं हम के वो रिलीज मोड में देखें डीबग में, क्योंकि रिलीज मोड में फॉर लूप नहीं चलता है ना। अब ये क्विट क्यों नहीं हो रहा है। ये क्विट भी नहीं करने दे रहा है। अच्छा रिलीज, डिस्कनेक्टेड, ये क्यों हो गया डिस्कनेक्ट। रिजेक्टेड जीडीबी कनेक्शन, नो मोर कनेक्शन अलाउड। ये लोड हो गया, कंटिन्यू। ठीक है सर, ये काम कर रहा है, तो जैसे आप देख रहे हैं इसको, तो जैसे जैसे हमने वो किया था, यानी कि सारा हमने मतलब जैसे जैसे मैम ने हमें समझाया है, बहुत अच्छा समझाया है। तो अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले पहला स्टेप जो किया तो ये था वो आपने किया अभी था, रिलीज मोड में चलाया ना इसको, ये रिलीज में भी चल रहा है और उसमें भी अभी जो चल चल रहा रहा है। है जी, अभी इक्विवेलेंट वो बिहेवियर दे रहा है। जी, दोनों पे चल रहा है। तो ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लियर हो गया है। आगे मेरे ख्याल में 4 चैप्टर हैं या 5 हैं, तो हमारे पास अभी यानी कि 6-7 दिन हैं, तो कोशिश करेंगे कि 7, आज 12 तारीख है, 7-8 दिन है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा हमारा। लेकिन जो आगे थोड़ा सा ना बड़े थोड़ा सा ट्रबल सम है आगे चैप्टर, उसमें ना सही चलते नहीं है वो प्रोग्राम्स ना, तो ठीक है इसको क्विट करते हैं। इसको अभी थोड़ा सा करने की ज़रूरत है दोबारा से, हमने सारा तो यानी कि पढ़ लिया है, तो अब इंशाल्लाह कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो इसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से किया। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने ये देख रहा था कि PSC.write, अच्छा ये देखें यहाँ पे आप 7_999, यहाँ पे ये क्यों करते हैं ये। नहीं, आप अंडरस्कोर से परेशान हो रहे हैं या मैं अंडरस्कोर से परेशान हो रहा हूँ सेवन ये। ट्रिपल लाइन से? नहीं, ये तो रस का तरीका है ना, वो नंबर्स को जरा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ना। ये आप अंडरस्कोर खत्म कर दें, वैल्यू यही रहेगी। तब भी चलेगा। जैसे कॉमा नहीं, हाँ करेंसी में जैसे कॉमा नहीं डालते, वैल्यूज को अच्छा जरा अच्छा रीडेबल बनाने के लिए, इट इज ठीक जस्ट है लाइक दैट। ठीक है ठीक हाँ ये रस के जो है ना इंटीजर्स, उनमें ये वैलिड अंडरस्कोर। है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने ये दिया इसको ये वैल्यू, और उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व कहाँ करेंगे इस। अच्छा, अभी हाँ आप इस तरह से ऑब्जर्व करें ना कि ये एमएस की वैल्यू को फॉर एग्जांपल आप 100 दे दें, तो ये मतलब आप फिर 100 मिलीसेकंड का डिले क्रिएट हो जाएगा, तो आपकी जो ये एलईडी जो अभी घूम रही है ना तेजी से, वो थोड़ा सा स्लो हो मैं जाएगी। या इसको फॉर एग्जांपल 200 दे दें, चेंज चेंज करता हूँ यहाँ आप 50 को ना यहाँ। नीचे है ना, ये लाइन नंबर 100 एंड नीचे और नीचे, ये यहाँ लाइन नंबर 140 पे, हाँ इसको लाइक 200 कर दें। तो अभी आप ना स्पीड नोट कीजिएगा उसके घूमने की। एरर, वही जीडीबी कर रहा है कोई।
ये क्या हो रहा है? कंटिन्यू और बिल्कुल सही है। देखें देखें बिल्कुल इसकी बिल्कुल डिले सही है। ज्यादा हो अच्छा गई। नहीं, एक चीज देर समझ में नहीं आई। ये जो है, ये जो कैलकुलेशन कर रहा है 1/8 MHz डिवाइडेड बाय 7999+1, ये तो 8000 हुआ ना, 8000। क्या ये अभी तो थ्योरेटिकली पढ़ा था ना हमने, ये जो पढ़ा नहीं था हमने एपीपी अच्छा वन ठीक डिवाइडेड है बाय ठीक है पीस ठीक पीस है, जी स्केलर प्लस ठीक है, वन, वही हो गया। लेकिन ये कैलकुलेशन ये वो इंटरनली खुद ही ही कर रहा है, खुद ही से कर रहा है कैलकुलेशन। ये हमने यहाँ पे तो फार्मूला नहीं नहीं बनाया है। नहीं ये तो नहीं हमने नहीं हम जो प्रोसेसर जो हमें फॉर्मूला दे रहा है ना वो है एपीपी वन की स्पीड डिवाइडेड बाय प्री स्केलर की वैल्यू प्लस वन। ठीक है तो अब आपका एपीपी वन आपका जिस स्पीड पे चल रहा है ना, मे बी नेक्स्ट ये जो है वो लाइक 72 MHz पे चल पड़े, ठीक है, तो फिर उस लिहाज से प्री स्केलर की वैल्यू सेट होगी इफ you want to decrease it to 1 kHz। मतलब कहने का यह है कि ये जो फार्मूला है इंटरनली उसने वो अंदर ही ये उनके फॉर्मूला सेट है। हाँ उसके फार्मूला सेट है, यानी कि आपके रोम में ये बर्न हुई हुई चीज़ या किसी रजिस्टर में ये रहेगा, इसलिए बिल्कुल उस बिल्कुल, तरह से लेकिन उसमें 8 और 7999 की वैल्यू नहीं सेट, ये हमने खुद से निकाली उस फॉर्मूला ये को हमने खुद से निकाल कि लिया है। वैल्यू वन तो के इक्वल आप लेने के कहें कि लिए। हम इसको चेंज कर सकते हैं, अगर हम इसको करना चाहें हाँ या फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एपीपी वन की वैल्यू 72 MHz हो तो फिर क्या होगा? ये हम अपनी टाइमर ये की क्लॉक फॉर्म सेट कर रहे हैं, टाइमर की जो क्लॉक है वो सेट कर रहे हैं कि का टाइमर जो हमारा किस क्लॉक के ऊपर चलेगा। ठीक है ठीक है। अगर ये सेवेंटी टू फॉर्मूला रोम मेगा पे नहीं सेट हुआ भाई, एपीआई में सेट हुआ। एपीआई में सेट हुआ हुआ है, ओके एपीआई कौन में सा ओके जी, एपीआई में? यहाँ से हम क्योंकि क्यों? पीएससी का फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, पीएससी का फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर वो सेट होगा। आप पीएससी के फंक्शन कहाँ है दिखाएं, कौन सी लाइन पे? जहां पर ये आपने वाला बिट्स दी ये हैं वाला 799। ये वाला। अब ये पीएससी जो है आपका टीम सिक्स से आ रहा है, तो टीम हाँ दैट मींस कि टीम सिक्स में जाके ओ देखें। नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। इसके अंदर हो सकता है कि नहीं इसमें नहीं नहीं सेटअप नहीं फॉर्म में नहीं ही हो। नहीं भाई ये थ्योरेटिकली ट्रू है, ये रॉम मतलब यानी कि जो फॉर्मूला है ना एपीबी वन डिवाइडेड बाय प्री स्केलर प्लस वन, ये तो हार्डवेयर में सेट है ना, आपने ये एपीआई के थ्रू उसकी वैल्यू को अचीव किया है। एपीआई के चलो थ्रू तो जब आप जस्ट उसकी प्री स्केलर की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि 1 kHz की स्पीड अचीव हो जाए। सही है। सही सही हाँ तो दैट मींस कि ये आपके अगर हमारे हार्डवेयर पास में वो फॉर्मूला आपका ना होता ठीक तो मतलब हमारे पास कोई मींस नहीं था कि हम इसकी वैल्यू को सेट कर सकते। है ठीक है ठीक है। तो हाँ तो एपीबी वन अगर फॉर एग्जांपल इसमें 72 kHz पे मेगाहर्ट्ज पे चलने लगे तो उसके हिसाब से आप उसी फॉर्मूला में पुट करके प्री स्केलर की वैल्यू जो सेट करनी है वो आप निकाल लोगे, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, क्योंकि आप एपीबी वन की स्पीड तो नहीं चेंज कर सकते ना, लेकिन टाइमर की स्पीड आप चेंज करना इस फॉर्मूले के थ्रू आपके हाथ में है। ये जो है उसने ये बिल्कुल बताया है कि ऑलरेडी ये यानी कि अंडरस्टूड है, यानी कि ये ये अंडरस्टूड अंडरस्टूड है, है एपीबी वन की ऑलरेडी। फिक्स होगी, ये आपको बताएगा आपका वेंडर या आपका बोर्ड बताएगा एपीबी वन की क्या स्पीड है। हमारे केस में वो 8 MHz है, इट कुड बी लाइक 72 MHz और वट एवर, मुझे नहीं पता ये इसकी क्या क्या स्टैंडर्ड स्पीड्स होती है, लेकिन इस टेक्स्ट से मैं पता चल रहा है कि 8 या 72 MHz तो होती है एटलीस्ट ना। तो आपने प्री स्केलर की ऐसी वैल्यू सेट करनी है कि पूरे फॉर्मूले की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, तो छोटा सा मैथमेटिक्स का आपने करना है जस्ट, ठीक है। वो आपने खुद ठीक से है करना है कैलकुलेशन, और उसको आपने मतलब वो। हाँ कंफ्यूज बिल्कुल वो सिंपल सी ये है कि मतलब वन करने माइनस करके जो भी वैल्यू आती है ऊपर वाली वैल्यू से वो आपने नीचे पुट ठीक कर देनी। है। बहुत शुक्रिया आज के लिए, और बस यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि हमारा 1 घंटे का टाइम होता है। तो इंशाल्लाह ठीक कल है, जो अगर है किसी को ये कोई चीज क्लियर ना हो ना तो वो व्हाट्सएप पे पुट कर दे, हम सिर्फ उस चीज को कल टारगेट करेंगे, ठीक जी है। जी अगर किसी का कंफ्यूजन ना हुआ कोई क्वेश्चन कल 9 बजे तक नहीं आता 10 बजे तक तो फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे फिर टेंथ। इंशाल्लाह असली सीरियल कम्युनिकेशन कॉल स्टार्ट करेंगे। ये तो मेरे ख्याल बहुत छोटा इंशाल्लाह सा है चैप्टर। जी, चलें लेकिन जी ये है कि वो चीजें जो है ना कंसेप्ट समझने वाले हैं। जी 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 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ऑल बीइंग हियर। कल और सैटरडे जी 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 सर, संडे को भी होगी क्लास?
सर क्लास वैसे तो आइडियली तो रोज़ाना ही होगी, अगर किसी को है कि अगर कोई किसी को है कि संडे को ना करें तो आप बता दें। वैसे है तो 1 घंटा ही, ज़्यादा नहीं, घंटा तो हम वैसे बैठे चाय पीते ही गुजार देते हैं। नहीं कर लें, आप कर लें, वो मैं फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा, बिजी क्योंकि शायद मैं जरा बिजी हूँ तो। हाँ मैं भी संडे को नहीं ले पाऊंगी, सैटरडे तो ठीक है चले ओके, ठीक है, उसी में सैटरडे सिर्फ एक संडे को क्लास होती है ना हम, खाली एआई की, ठीक है लेकिन संडे को जो है ना वो तकरीबन 4 घंटे की दो क्लासेस बन जाती ठीक है, हैं, तो वो संडे हैं भी इवनिंग में को हम दो। ऑफ कर लेंगे, अब बाकी सैटरडे तक जो है ना फिर क्लासेस होती चलो रहेंगी, मंडे टू सैटरडे। ठीक अच्छा है, ठीक बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अलैकुम। हाफिज़।